लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान बीजेपी मुख्यालय में चलने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव पर जूता फेंक दिया गया। दरअसल ये वाक्य तब हुआ जब जीवीएल नरसिम्हा और भूपेंद्र यादव लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उसी वक्त इस शख्स ने उन पर जूता फेंक कर मार दिया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने इस शख्स को पकड़कर बाहर का रास्ता दिखाया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जूता फेंकने वाले के पास से जो विजिटिंग कार्ड बरामद किया गया है उसमें डॉक्टर शक्ति भार्गव नाम लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि जूता फेंकने वाला आरोपी शक्ति उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है। डॉक्टर शक्ति भार्गव ने अपने फेसबुक अकाउंट में खुद को विसिल ब्लोअर बताया है। आपको बता दें कि फेसबुक में शक्ति भार्गव ने लिखा है कि पीएसयू कर्मचारियों की खुदकुशी के लिए सरकार जिम्मेदार है। साथ ही कानपुर में बंद मिलों के लिए भी शक्ति भार्गव ने आवाज उठाई थी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।